जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है एक जानदार और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आई और ए वर्ड है या लेटर है। अक्सर बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई आई और ए का प्रयोग जो है किस तरह से होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल स्टडी कराऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा कि आई और ए जो है वो क्या है, वर्ड है या लेटर है। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग झटपट शुरू करते हैं। आज आपके कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लेटर का डेफिनेशन देखें। लेटर क्या है, आप सिंपल सा सेंटेंस देता हूँ, मैं सिंपल सा डेफिनेशन देता हूँ। 26 यूनिट्स ऑफ इंग्लिश देखो, किसी भी इंग्लिश या हिंदी किसी भी अल्फाबेट के, यहाँ मैं 26 लिया हूँ इसलिए इंग्लिश अल्फाबेट लिया, 26 यूनिट्स ऑफ अल्फाबेट, जैसे ए बी सी से लेकर के जेड तक टोटल 26 है। ये 26 क्या है, यूनिट्स है। किसके यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गई कि 26 यूनिट्स जो है वो इंग्लिश के अल्फाबेट में होते हैं। ए बी से आप काउंट करिएगा जेड तक 26 यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आई भी तो आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई भी आएगा। देखो यहाँ पे ए भी आ गया और आई भी आ गया, यानी ए और आई, ये क्या है, लेटर्स। ये दोनों क्या है, लेटर्स। यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि ए और आई क्या है, लेटर्स। लेटर्स का एक और डेफिनेशन से मैं आपको समझाता हूँ, लेटर का एक और डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं, ना। लेटर का एक और डेफिनेशन इसको भी समझ सकते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूँ कोई बी ए टी, और यहाँ पे मैं लेता हूँ इंक। ये दोनों वर्ड हैं, बैट और इंक, ये दोनों वर्ड हैं। और सबसे छोटी इकाई जो है इसमें से किसी एक को निकाल लीजिएगा, सबसे छोटी इकाई बैट में यदि हम ए को निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेटर, क्योंकि बैट का सबसे छोटी इकाई ए है। यानी किसी एक लेटर को निकाल लीजिएगा, जिसको निकालिएगा वो छोटी इकाई। इंक में एक और सबसे छोटी इकाई निकाल ली है आई को, तो यह भी लेटर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से भी क्लियर हो गया कि ए और आई क्या है, लेटर। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया कि 26 यूनिट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए और आई है, जिसे लेटर कहते हैं, या नहीं तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। ये दोनों वर्ड मैंने आपको बताया, बैट और इंक, इसमें से सबसे छोटी इकाई ए निकाल ली, यहाँ से सबसे छोटी इकाई आई निकाल ली। यहाँ भी समझ आ गया आपको ए और आई क्या है, लेटर है। चलिए अब देखते हैं, ये तो प्रूफ हो गया कि ए और आई जो है एक लेटर है, लेकिन प्रूफ ये करते हैं कि ए और आई क्या वर्ड है। देखिए वर्ड का डिफिनेशन क्या है, देखो यहाँ से वर्ड का डिफिनेशन है ग्रुप्स ऑफ लेटर्स। वर्ड का डिफिनेशन क्या है, ग्रुप्स ऑफ लेटर्स। देखिए जैसे कि यहाँ पे बैट, ये ग्रुप ऑफ लेटर है, एक दो तीन लेटर, यहाँ पे फिर यही लिखता हूँ बैट, तीन लेटर, एक दो तीन लेटर यहाँ पे मिला हुआ है। उसी तरह इंक लिखते हैं तो यहाँ पर भी एक दो तीन तीन लेटर मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर है, तीन लेटर मिलकर के एक वर्ड बना है, तीन लेटर मिलकर के एक वर्ड बना है। लेकिन ग्रुप ऑफ लेटर तभी सही माना जाता है जब उसका मीनिंग निकल, जैसे बैट का मतलब बल्ला होता है, इंक मतलब स्याही होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्ड जो है आई और ए क्या एक वर्ड है। जैसे हम सेंटेंस का डेफिनेशन देते हैं, सेंटेंस का मतलब आपको बताता हूँ यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा। सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स
सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई हैव अ पेन, दो सेंटेंस मैंने वहां पे लिखा। यहां से मैं रिलेट करूंगा वहां पे। अब देखो वर्ड का डेफिनेशन आपको समझाया, ग्रुप ऑफ लेटर्स, जैसे बैट में तीन लेटर्स हैं, इंक में तीन लेटर्स, तो वर्ड जो है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। लेकिन सेंटेंस कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो यहाँ पे एक दो तीन होना चाहिए, तीन वर्ड है तभी सेंटेंस बना, यहाँ पर भी एक दो तीन चार होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पे ए है, तो सेंटेंस का डेफिनेशन हमने समझा कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, वर्ड का भी हमने डेफिनेशन समझा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन सेंटेंस में आई जो आया, आई, अब देखो ए आया, तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि आई और ए दोनों क्या है, वर्ड, ये दोनों वर्ड है। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार है, आप दूर दूर तक सबको फैला दो, समझा दो कि आई और ए के बारे में हमने सीख लिया है, आई क्या है, आई और ए वर्ड भी है और आई और ए सेंटेंस भी है, मैंने पूरी प्रक्रिया समझा करके आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नए वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए जय हिंद।